सत श्री अकाल जी। मक्का दस्का टाइम उते एक बार तो फिर सारे साडे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत आ। वैसे अज असी एक बहुत स्पैशल टॉपिक के उपर गल करन जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारिया सरकार जिन्हिया भी इस आउंदियां हन ते अपना अपना वा सारा लाउंदे हन। गुरदासपुर भी खूबसूरत बनाने वास्ते वख-वख सरकारां ने बहुत यतन किए हैं, पर अज असी गल कर रहे हैं अकाली बादल सरकार दी, जिन्हां विच बब्बे हाली साहब दा कुछ खास इंट्रस्ट रहा। अज असी गुरदासपुर दे शहीद लैफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम सरकारी कॉलेज गुरदासपुर दे विच हाँ, जिथे कि बब्बे हाली साहब ने बहुत ही वधिया अपने खास इंट्रस्ट नाल इत्थे काम किया है ते इस स्टेडियम नू बहुत दिती है, जिसका इलाके के लोगों को बहुत फायदा होया है। इस विच बहुत सारिया लाइटा करोड़ों रुपए खर्च के लगाई गई हैं, तो लाइटा लगाने तो बाद इत्थे उस टाइम तो बादल सरकार की टाइम वेले इत्थे मैच कबड्डी के मैच जिदा तुम जानते हो कबड्डी के मैच भी होंदे रहे हैं, पर किते ना किते सरकारां जाण तो बाद ये सारे मैच जिहड़े आ वो खत्म हो गए। स्टेडियम जिहड़ा वा वो बिल्कुल मतलब किसी की भी नज़र च नहीं रहा, हुण कोई भी इसकी देखभाल नहीं कर रहा। स्टेडियम जिहड़ा वा लगभग टुटन की कगार से आ रहा वा। अज असी देखांगे कि इस किस तरह के हालात हैं, और तुसी वेख सकते हो कि इस स्टेडियम के हालात बने हुए हैं। आओ असी अज गल करते हाँ साढ़े सीनियर रिपोर्टर सरदार जतेंद्र सिंह जी नाल, और उन्हां कोल जाते हाँ कि इस स्टेडियम बारे उन्हां दा की कहना। तो जो अकाली भाजपा की सरकार समय बब्बे हाली साहब ने जो साडा जो शलांघाजोग काम किया उस बारे इन्हां दा की कहना। तुसी हुण इस स्टेडियम बारे की तुहाडे विचार हन, की कहना चाहोगे, किस तरीके नाल ये जिहड़ी आ होनी चाहीदी सी? देखो संजीव जी, समय समय दीआं सरकारां जिन्नियां वी आईआं ने हर सरकार ने अपने टाइम शहर नूं पंजाब नूं वधिया बनाउण वास्ते योगदान पाया वा। इस तरह ही सरदार गुरबचन सिंह बब्बे हाली ने अपने टाइम जदों कि प्रकाश सरदार प्रकाश सिंह बादल दी इत्थे सरकार सी उन्हां दे टाइम दे विच उन्हां ने भी गुरदासपुर नूं काफ़ी जिहड़े तोहफे दित्ते, जिन्हां विचों इक ये गुरदासपुर का जिहड़ा स्टेडियम सी। जे असीं गल करिए तो स्टेडियम पहले भी सी, बट इहदे च नवीं अमेंडमेंट होई, इहदे च काफ़ी वधिया चीज़ां जिहड़ियां बनाईआं गईआं, जिवें का जिहड़ा हुण इस टाइम जे तुसीं इह स्टेडियम देखोगे तो ये पंजाब चों सिर कढ़वां इक स्टेडियम आ, जिस दे विच असीं जे गल करिए तो इहदे विच इंटरनेशनल लैवल दे जिहड़े मैच होए सी, पर बदकिस्मती तो शायद जिहड़ियां इह लाइटां करोड़ां अरबां रुपये खर्चे सी ये सिर्फ दो कुवारी जगियां जदों ओह मैच होए सी, उन्हां तों बाद शायद इहनां नूं कदे किसी ने चला के भी नहीं देखिया। तो जे अज असीं स्टेडियम की हालत देखिए तो बड़ी खस्ता वा, कि मतलब कि ये पंजाब की खास करके गुरदासपुर की जिहड़ी आ वो इत्थे पूंजी जिहड़ी सी वह पंजाब ने लाई, तो अज असीं इहदी सांभ संभाल की जे गल करिए तो बहुत मंदे हाल ने। देखो कि जिहड़ा पत्थर सी वह टुट्टिया पिया वा। दूजी जे सफाई की गल करिए तो सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं हैगी। सो समय दीआं सरकारां जदों आउंदियां ने वो अपना टाइम तो पूरा जोर लाउंदियां ने, पर बाद च जदों अफसरशाही इन्हां चीज़ां वल ध्यान नहीं दिंदी तो यह जिहड़ी साडी पूंजी हुंदी आ वो किते ना किते खराब हुंदी आ। इस तरह जे असीं हुण ये ग्राउंड की गल करिए तो ये ग्राउंड जिहड़ी आ जिथे अज असीं खड़े हाँ इन्हें इंटरनेशनल नैशनल लैवल दे सानू प्लेयर दित्ते ने, जिहड़े सिपाही तो लैके SSP लैवल तक अज देश की सेवा कर रहे ने, फौज भी बहुत ने, उस तो बाद होर भी काफ़ी डिपार्टमेंटा च जिहड़े सेवा निभा रहे ने। पर बदकिस्मती ये भी आ कि तुसीं जे ग्राउंड की आपां जे कंडीशन देखिए तो इहदी कंडीशन अज बहुत माड़ी आ सफाई पक्खों भी, तो प्लस कुछ सानू सुनिया सुनाईया गल्लां ने असीं कह नहीं सकते कि ग्राउंड दे विच जिन्ना प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए वह भी नहीं हैगा। सो ये समय के हालात होंगे ने, जिमें और तुसी बाथरूम देखोगे परली साइड के जोड़े बने ने उन्हों की भी कंडीशन खराब आ, क्योंकि जो सरकार आदि ने सारा कुछ बना ने, बट इनू मेनटेनेंस जोड़ा वा बाद अफसरशाही ने करना हों तो नहीं कर पाते। हाँ जी सर, बहुत सारे शाम को बच्चे इतने जोड़े आते प्रैक्टिस करने वास्ते आते हैं, जिन्होंने फौज पुलिस किसी होर ना टूरनामेंट हिस्से लेने होंगे आ, वो भी अजक जे दिनों दिन इन्हें तादाद घट ही जा रही है, की कहना चाहोगे तुम? देखो गल इस तरह वा कि अगे एक स्टेडियम हों गुरदासपुर का, ये एक लौता स्टेडियम से जिते लोग आन के प्रैक्टिस करते, तो जे अज गल करिए तो गुरदासपुर काफ़ी स्टेडियम जोड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो बच्चे जोड़े उत्थे प्रैक्टिस कर लेंगे ने, इस करके वो हो उन्हां दे कारण करके, क्योंकि वो बच्चे काफ़ी जगह पर वंडे जाते हैं, इस करके वो बच्चे इत्थे घट आते हैं।
ਸਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਚ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਆਪਣੇ ਚਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਕਾ ਚਸਕਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।